अररिया फॉरविसगंज नगर परिषद में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद 5 सूत्री ज्ञापन कार्यपालक पदाधिकारी को भी सौंपा है। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी संघ ने हक के लिए आवाज बुलंद की है। इन लोगों का कहना है कि 31 मई 2023 को बोर्ड की साधारण बैठक में मानदेय 1 जून से लागू करने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा कर संग्रहकर्ता चालक और सफाई पर्यवेक्षक को कुशल श्रेणी का कर्मी मानकर मानदेय भुगतान की बात हुई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई पहल नहीं की गई है। इन लोगों ने कहा है कि मांगों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी 4 सितंबर से नगर परिषद कर्मचारी संघ बेमियादी हड़ताल पर चली जाएगी। यहाँ बीमारी से मर रहे हैं, वाजिब पैसा है बाकी नहीं दे रहा है, जबकि सरकार से पैसा आ गया है 2 करोड़ 6 लाख रुपया आ गया है, वो पैसा दाब के रख ले है, वो अपने विकास में खर्चा करेगा। हम लोग को हम मर रहे हैं, 2 आदमी मर गया इलाज के कारण, हम भी हार्ट का बीमार है, हम भी इलाज के लिए धरना चाहते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं दे रहा। देखिए 5 सूत्री मांग जो है ना, पिछले 21 तारीख को नगर परिषद प्रशासन को अवगत करा दिया और वो 5 सूत्री मांगे जो है विगत बोर्ड से कई साल पहले पारित हो चुका है। स्मरण कराते हुए कि कर्मचारी का जो 5 सूत्री मांग है वो कर्मचारी के जीवन मरण और उसके आर्थिक स्थिति से भरण पोषण से संदर्भित है। उसी संदर्भ में जो है 21 तारीख को नगर परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया था कि आप हमारी 5 सूत्री मांग को पूरा कीजिए, नहीं तो हम 28 से जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो 4 सितंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। सरकार की ऐसी कई चिट्ठियां हैं जो कर्मचारी हित में है, जिसको नगर परिषद प्रशासन और शासन लागू होने नहीं देता है। बहुत सारे पत्र तो दाब लिए जाते हैं, लुका लिए जाते हैं, छिपा लिए जाते हैं। सरकार के अभी वर्तमान में चिट्ठी है जिसका लेटर नंबर है आपको 2107, डेट है 21/7/2023, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो कर्मी सेवानिवृत्त है, सेवांत लाभ जिसका बकाया है, जिसका एरियर बकाया है, अंतरराशि बकाया है, पेंशन सेवांत लाभ, उसका तुरंत अविलंब भुगतान कर दिया जाए। अभी अभी हमारे नगर परिषद को जो है मुद्रांक शुल्क मद में 2.6 करोड़ रुपया जो है पिछले 1 महीना से नगर परिषद को प्राप्त है, लेकिन नगर परिषद के मनमानी और निष्क्रियता के कारण जो है कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो परेशान बीमारी से पीड़ित हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी की पत्नी बीमार हैं, कई ऐसे कर्मी जो है इलाज और भूख के अभाव में तो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको चिप्पा मरी, सतवा मरी, ऐसे और कई कर्मी हैं जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, किसी को यूट्रस की खराबी है, किसी को हार्ट का बीमारी है, उसको इतनी भी राशि नहीं है पेंशन से मिलती है कि वो कम से कम अपना संपूर्ण रूप से इलाज करा पाए। अगर ये राशि का भुगतान ससमय हो गया रहता या हो जाता है तो कम से कम नगर परिषद के कर्मचारी के जीवन के स्तर में कुछ बदलाव आएगा और बीमारी से निजात पाया जा सकता है। सफाई कर्मचारी की जो मांग है, ये सारा का सारा मांग बोर्ड से पास है। अब कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इनकी मांगे पूरा की जाए।